वाव, सो ब्यूटीफुल। अस्सी घाट टू दशाश्वमेध घाट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त, और आज मैं आपको बनारस की शाम का नज़ारा दिखा रही हूं दोस्तों। चमचमाती रोशनी के बीच में ये देखिए बनारस के घाट का अनोखा दृश्य। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा, तो सोचा रिकॉर्ड कर लूं। वाराणसी यूपी में है और यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों। यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर रोमांच से मन भर उठता है दोस्तों। चलिए अस्सी घाट से होते हुए किनारे किनारे सारे घाटों को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पे हम लोग उतरेंगे। वहाँ पे भव्य आरती होने वाली है, गंगा आरती। वहाँ का भी दृश्य हम लोग देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग सारे घाटों के किनारे किनारे चलते हुए एक खूबसूरत नज़ारा को अपने कैमरे में कैद करते हुए चलती हूँ दोस्तों। ऐसा अद्भुत और रोमांचित करने वाला दृश्य मैंने तो ज़िंदगी में सचमुच पहली बार देखा है दोस्तों। जैसे लगता है मानो सारे देवता एक ही स्थान पर उतर आए हों इस घाट पे ही। कहते हैं कि यहाँ करीब 84 घाट थे, अभी शायद 80 घाट के आसपास हैं। वाराणसी मंदिरों का ही शहर है, खासकर यहाँ भोले बाबा की स्तुति होती है। और भी सारे देवी देवता हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ भोले बाबा की स्तुति की जाती है। रंग बिरंगी रोशनी के बीच नहाया हुआ ये वाराणसी का घाट बहुत ही दिव्यता का अनुभव करा रहा है मुझे दोस्तों। पानी पर आ रही रोशनी की परछाई और भी इस नज़ारे को खूबसूरत बना रही है। शाम हो चुकी है और घाट पर आरती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जैसे जैसे मैं घाट के करीब पहुंचती जा रही हूं, यहां का मनोरम दृश्य और भी मुझे रोमांचित कर रहा है। जो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, उन लोगों को भी ये दृश्य बहुत ही अद्भुत दिख रहा होगा दोस्तों। मैं अपने कैमरे को घुमा घुमा कर हर एंगल से कोशिश करूंगी कि आपको ये इस घाट का अद्भुत दृश्य हर एंगल से दिखा सकूं। ये देखिए दोस्तों, कितना दूर तक इस घाट को सजाया गया है, बहुत ही रोमांचित करने वाला ये अद्भुत दृश्य। ऐसा लगता है मानो सांसें थाम कर इन नज़ारों को आंखों में बसा लूं। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैं वाराणसी के तट पे मौजूद हूं और बोट से घाट का नज़ारा खुद भी देखकर आश्चर्यचकित हो रही हूं, और मैं अपने कैमरे के थ्रू आप लोगों को भी ये दृश्य दिखाकर आप लोगों का भी मन रोमांच से भर दे रही हूं दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। वाराणसी का ये शानदार दृश्य अगर आप वहां जाकर खुद फील करेंगे तो इस दृश्य को लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे।
जहाँ पे गंगा आरती होने वाली है वहाँ की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, यहाँ पे क्रूज़ की सवारी का भी आप मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप छोटी छोटी बोट्स में जाएं, वो धीमे धीमे सारे नज़ारों को अच्छी तरीके से देखते हुए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घाट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। शाम की आरती का वक्त हो चुका है। यहाँ आरती करीब 7 बजे के आसपास होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर से देंगे। और भोले बाबा की इस पवित्र धरती पर एक बार लाइफ में ज़रूर से आए दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक नई जगह को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और ऐसे ही यूनिक तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।